ज्ञानी रागादिक करते नहीं हैं, चारित्र मूल के उदय से होते हैं। अब इसमें दो बातें हैं, ये बात पढ़ने में जितनी आसान है समझने में बहुत कठिन है। कैसे? अब जैसे अपन को जो दिन भर रागादि भाव होते हैं तो अपन को ये समझ में नहीं आता कि ये चारित्र मोह के उदय से हो रहे हैं कि मिथ्यात्व के साथ हो रहे हैं, है कि नहीं? क्योंकि जब अपन ये सोचते हैं कि चारित्र मोह के उदय से हो रहे हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसे तो हम स्वच्छंद हो जाएंगे, है कि नहीं? राग आदि होते रहे और हम ये कहते रहे कि साहब चाहे तो वही उदय से हुए, हम क्या कर सकते हैं। और अगर हम चारित्र मोह के उदय से नहीं माने और ये माने कि हमारे करने धरने से होते हैं तो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, क्योंकि तो हम लोग राग आदि का कर्ता मानते ही तो मिथ्या दृष्टि, तो करें क्या? ये समस्या हम चाहे किसी से कहें और चाहे नहीं कहें ये अंदर बनी रहती है, ख्याल में है कि नहीं आए? तो अब इस समस्या का वास्तव में समाधान क्या है? चारित्र को यहाँ लिखा है सीधा, सम्यक दृष्टि हो गया और श्रद्धान क्या हो गया कि मैं आत्मा हूँ। पहले नंबर पर तो ये श्रद्धान चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, शरीर हमें स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार इत्यादि मैं नहीं, मेरे नहीं, मैं इनका कर्ता भोगता नहीं, ये निर्णय हो गया। मैं तो एक जानने देखने वाला आत्मा हूँ, अशरीरी हूँ, अमूर्तिक हूँ, ज्ञान स्वभावी हूँ, और ये जो रागादिक भाव है ये विकारी भाव है, ये मुझे नहीं करना, ये दुखरूप है, ठीक है। निर्णय श्रद्धा ने कि रागादिक करने योग्य नहीं है, तो ये सब ठीक है, परंतु चारित्र मोह के उदय से रागादिक होते हैं, ठीक है कि नहीं? फिर भी चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को जो दो चार भव बाद मोक्ष जाएंगे उनकी बात तो छोड़ो, उसी भव से मोक्ष जाने वाले के भी बहुत रागादिक देखे जाते हैं, और महापुरुष भी हैं, तीर्थंकर आदि के जीव हैं, चक्रवर्ती आदि हैं, बलभद्र हैं, नारायण हैं, प्रतिनारायण हैं, समझ में आया? इस 63 शलाका के जो महापुरुष हैं इनके बहुत रागादिक देखे जाते हैं, जबकि हैं तो सबके सब सम्यक दृष्टि। अब समस्या ये खड़ी होती है कि उनके रागादिक को देखें तो ऐसा लगता है कि हम तो फिर रागादिक करते ही चले जाएंगे। अब भरत जी 96,000 शादी कर ली थी, हमने एक दो कर ली तो कौन सी आफत आ गई? तो ऐसा लगता है तो स्वच्छंदी हो गए हम। और अगर हम भरत जी का वो वाला चारित्र मोह वाला पार्ट नहीं पकड़ें और खाली वीतराग वाला पार्ट पकड़ें तो प्रॉब्लम ये आती है कि अंदर अपने रागादिक उत्पन्न होते हैं तो अपन करें क्या? ऐसा तो नहीं है कि आप भरत जी के चलो वीतरागी भाव को पकड़ लो तो आप भी वीतरागी हो जाओ, क्योंकि वो तो भूमिका के अनुसार राग हुए बिना रहता नहीं है ना। और लोक में भी क्या दिखाई देता है, खतरनाक है। लोक में ये दिखाई देता है कि एक तरफ तो अपन कहते कि रागादिक करने से अपन उसके करने से नहीं होते, वे तो उदय प्रमाण होते हैं, ऐसे है ना। वृषशील संयम का कर्ता जीव नहीं है। अगर ऐसा ही है तो जो व्यवहार इतने वृषशील संयम पाल लेते हैं और मोक्ष नहीं पाल पाते, आप देख समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं कि भाई हमने ऐसी पढ़ाई करी या ऐसा स्वाध्याय हुआ कि हमें बार बार ये बात सुनी हमने कि वृषशील संयम आदि से धर्म नहीं होता, ये जड़ की क्रिया है, इसके कर्ता धर्ता हम नहीं है, तो हमारे तो जरा सा भी उपवास नहीं हो रहा। और वे लोग ये मानते हैं कि वृषशील संयम से धर्म होता है, पुण्य बनता है, मोक्ष होता है, तो वे देखो कितनी ताकत लगा के वृषशील संयम करते हैं, और तुम तो कहते हो कि जीवा करता है। हम जे हमने अब देखो आप समझ रहे हो, हमने कहा दयादान पूजा भक्ति से क्या होता है, पूजा पाठ प्रक्षाल से क्या होता है, समझ में आया? तो अपन नहीं करते,
और एक आदमी को दयादान पूजा भक्ति की महिमा बताई कि तुम्हारे सारे तो कर लेंगे, अभी से तो बेचारा रोज सुबह 6 बजे खड़े हो जाता है, और आप तो कहते कि कर्ता भक्ता कोई नहीं है, तो ये दिख तो रहा है। इसको ऐसा समझाया तो ये करने लगा, और इसको ऐसा समझाया तो ये नहीं करने लगा। ये समस्या है कि नहीं? अरे वो बात अभी उसकी नहीं चल रही, अभी तो बात इसकी चल रही है कि यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानी को रागादिक होते हैं, तो प्रश्न ये समस्या खड़ी हो जाती कि हम ऐसे ही मानते रहेंगे कि रागादिक होते हैं, तो हम तो रागादिक करते ही रहेंगे, और चारित्र मोह का उदय ले लेके कह कह के तो किसे चलेगा है? अब प्रश्न ये है कि ये जो यहाँ पे लिखा है और जो आप समझ रहे हो, और आपको समझ में आने पर भी अगर समझ नहीं आता है, या ये समस्या खड़ी, मैंने समस्या जानबूझ के खड़ी करी है, क्योंकि ऐसी समस्या खड़ी करने से लोग बचते हैं, लेकिन बचने से होता क्या है? अगर हमारे अंदर वो समस्या है तो उसका समाधान तो होना चाहिए। देखो ये जो चारित्र मोह का उदय है ना, ये चारित्र मोह का उदय तभी कहलाता है जब दर्शन मोह नहीं हो। पहली बात तो ये है, मिथ्या दृष्टि के कोई चारित्र मारित्र मोह का उदय नहीं है, मिथ्या दृष्टि के प्योर दर्शन मोह का उदय है, और उसका सारा राग सारी क्रियाएं मिथ्यात्व के वशीभूत होकर ही होती हैं। समझ में आ रहे ना? और जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है उसके दर्शन मोह नहीं है, इसलिए उसकी सारी चेष्टाएं चारित्र मोह के उदय से होती हैं। जैसे थोड़ा आगम से समझो, अनंतानुबंधी कसाय के रहते हुए कभी अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय नहीं होता। ये पढ़ा है, थोड़ा करना नियोग है कि साहब अप्रत्याख्यानावरण है कि नहीं है? प्रत्याख्यानावरण के है और संजुलन है, तो ऐसा हो सकता है क्या मेरे के मेरा संजुलन का उदय आ जाए अभी, या अप्रत्याख्यानावरण का आ जाए या प्रत्याख्यानावरण का आ जाए? मेरे चारित्र मोह में अनंतानुबंधी का ही उदय आएगा अगर अनंतानुबंधी है। तो कैसा अप्रत्याख्यानावरण को आना होगा तो पता कैसे आती है? अप्रत्याख्यानावरण की प्रकृति अनंतानुबंधी में कन्वर्ट होके आती है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी की प्रकृति अप्रत्याख्यानावरण में कन्वर्ट होके आती है। ये तो पढ़े होगे थोड़ा, है पढ़ा है सुना होगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो समझ लेना। ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत की बात है, करणानियोग का सिद्धांत है कि अनंतानुबंधी और मिथ्यात् साथ में जाते हैं, साथ में रहते हैं, जोड़ा है उन दोनों का। और मान के चलो औपसमिक सम्यक दृष्टि हो गया, या चायोपसमिक सम्यक दृष्टि है, और उसके अनंतानुबंधी कसाय सत्ता में है, तो उसकी जो प्रकृति आती है वे सारी अप्रत्याख्यानावरण में कन्वर्ट हो के उदय में आती है। समझ में आया? और मिथ्या दृष्टि के अप्रत्याख्यानावरण की प्रकृति भी अनंतानुबंधी में कन्वर्ट होके आती है। ठीक, छोड़ो अभी इतने समझ लो। तो दर्शन मोह के रहने पर चारित्र मोह की कोई बात नहीं है, यहाँ दर्शन मोह जाए तो फिर ये कहा जाता है कि चारित्र मोह के उदय से हो रहा है। तो सब हम क्या करें? सुनो हम बताते हैं, अब तुम्हें कैसे पता चले कि ये चारित्र मोह से चल रहा है कि दर्शन मोह से चल रहा है। अगर हमें रागादिक में सुख बुद्धि नहीं है, क्या कहा मैंने? हमें रागादिक में सुख बुद्धि नहीं है, हमें रागादिक होते तो हैं लेकिन उनमें आनंद नहीं मानते, उसे अंदर से अच्छा ये बना रहे, ये राग होता रहे, ऐसी मान्यता नहीं है तो ये है। और साथ में त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा का श्रद्धा में जोर होना चाहिए, जोर समझ गए, रुचि होनी चाहिए, अपने 24 घंटे
अपनी श्रद्धा में अपनी आत्मा के अलावा कुछ और नहीं बसना चाहिए। चारित्र मोह के उदय से फिर खाने पीने उठने बैठने सोने विषयादिक में प्रवृत्ति करने के जो रागादिक भाव हो, लेकिन जोर ज्ञायक का हो तो समझ लेना कि ये चारित्र मोह के उदय की दशा है। और अगर ज्ञायक भाव का जोर नहीं हो और खाली विषय भोगादिक में प्रवृत्ति हो, आत्मा का बल नहीं हो, आत्मा का श्रद्धा नहीं हो, रागादिक में सुख बुद्धि हो, धन आदिक में सुख बुद्धि हो, धन हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा ये मान्यता हो, तो इसे चारित्र मोह का उदय नहीं समझना, इसे नियम से दर्शन मोह का उदय जानना। ये भेद करना आ गया। अब दूसरा सुनो, ये थोड़ी सूक्ष्म चर्चा है, समझने लायक है। और दूसरा ये है कि साहब व्यवहारी को ऐसा उपदेश दिया कि दया दयान पूजा भक्ति व्रतशील संयम पालो, तो वो पालता हुआ दिखता है। और यहाँ हमने कहा कि जे है इनमें कुछ नहीं है, तो ये नहीं पालता हुआ दिखता है, तो ऐसे में तो करता दिखता है जी। अगर मेरा हमने तुम्हें प्रक्षाल की महिमा करी और तुम कल से प्रक्षाल में आने लगे, और आज हमने कहा कि प्रक्षाल करने से कुछ नहीं होता, तो तुमने कल से आना बंद कर दिया, तो तुम करता हो कि नहीं। अब देखो इसमें भी क्या वस्तु का स्वरूप है, तुम्हारी योग्यता समझो, समझो क्या स्वरूप है। तुम्हारी जैसी योग्यता होती है पर्यायगत, तुम्हें वैसे निमित्त और वैसे उपदेश मिलते हैं। हाँ, थोड़ी गहरी बात है। जैसे तुम्हारी योग्यता पूजा पाठ प्रक्षाल करने की है, समझ में आया कि नहीं आया, तो तुम्हें उपदेश भी वैसे ही मिल जाएगा। हाँ, तो तुम्हें वैसे ही भाव आ जाएगा, वैसे ही तुम्हारी सेट में, माने वस्तु स्वरूप में ये निमित्त निमित्त की मैत्री है, विपरीतता नहीं है। कहीं कहीं विपरीतता घटित हो जाती है, लेकिन अधिकतर जगह मैत्री है। जैसे चोरों को चोर मिल जाते, लेकिन वो खोज लेता है। वो स्कूल में जो एक होशियार बच्चा होगा, वो एडमिशन न्यू एडमिशन गया न्यू बच्चा, तो वो एक दो दिन में अगर होशियार होगा तो होशियार बच्चे खोज लेगा वो, और उसकी गारंटी से उसी से दोस्ती हो जाएगी। और अगर गधा होगा तो वो गधा बच्चा खोज लेगा। है हाँ, तो जिनके अभी काल लब्धि सम्यक दर्शन की नहीं आई, जिनके भी आत्मानुभूति का काल नहीं पका, उनको हमेशा कर्तृत्व वाला प्रवचन सुनेगा मिलेगा, और उनको वो ही जमेगा। उन्हें अगर गलती से आकर्तित्व वाला प्रवचन सुनने मिल भी जाए तो उन्हें जमेगा नहीं, वे तुरंत बोलेंगे अच्छा तो हम पूजा पाठ प्रक्षाल छोड़ दें, कल से नहीं आवे। क्योंकि इस जीव को अभी अकर्ता ज्ञायक की दृष्टि होने के योग्यता पकी नहीं है, तो उसको उपदेश भी वैसे ही मिलेगा, वैसे ही निमित्त मिलेगा, सारी व्यवस्था उसकी वैसी बनेगी। इसलिए जो पूज्य गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान से अनभिज्ञ रहते हैं या उनके विरोध करते हैं या मुमुक्षुओं का विरोध करते हैं, स्वाध्याय का विरोध करते, तो क्यों करते हैं साहब? इसलिए करते हैं कि उनकी अभी योग्यता संसार में रहने की है, उनकी अभी काल लब्धि पकी नहीं है, इसलिए उनको तत्व के विरोध करने का भाव आता है। देखो मारीची को ये बात आदिनाथ जी के समूह शरण में आई, ये आदि मारीची का जीव 24वां तीर्थंकर होगा, लेकिन ये बात मारीची को स्वीकार नहीं हुई। अब प्रश्न ये है कि स्वीकार क्यों नहीं हुई? तो देखो आपको वहां तो याद आती है काल लब्धि कि साहब उसको 24वां, अरे तो उसका तो वहां पता था तुम्हें कि इसको 24वां बनने से तुम तुरंत गुणा भाग लगा लेते, तुम्हें अपना नहीं पता कि मुझे क्या होना है। अगर अभी सर्वज्ञ बैठे होते और मैं सर्वज्ञ के समोषण में होता और मैं कहता कि हे जिनेन्द्र देव, मैं 10 साल से भीम गली में प्रवचन कर रहा हूं,
लेकिन वहाँ कुछ ऐसे जीव हैं जो व्यवहार का पक्ष नहीं छोड़ते, क्या कारण है? तो क्या जवाब देते वो? ए भैया, अभी उनकी काल लब्धि आई नहीं है, उनको अभी 50-200 हजार अनंत भव हैं संसार के, इसलिए अभी उनको ये बात समझ में नहीं आनी है। समझ में आए कि नहीं? तो कितना निर्भर हो गए कि मैं समझाने वाला कहाँ हुआ, फिर मैं किसी को सुधारने वाला कहाँ हुआ? अपने आप ही जिन जीवों की काल लब्धि होनार भवितव्यता होगी उनको मेरी बात अपने आप समझ में आएगी, वे समझ जाएंगे, और जिनको नहीं होगी वे विरोध करेंगे या कमियां बताएंगे, स्वच्छंदी कहेंगे, कुछ भी कहेंगे। अभी अपन लोग ही है ना, अभी पूर्ण रूप से अकर्ता ज्ञायक स्वीकार नहीं हो पा रहा है, आगे भले ही हो जाए लेकिन अभी कहीं नहीं है कमी श्रद्धा में, तो क्यों है? ये अभी पर्याय की योग्यता नहीं आई, इसलिए वो बात नहीं बैठ रही। सारा खेल योग्यता का है, उसमें निमित्त विमित्त कुछ नहीं करते। तो सब निमित्त निमित्त उसको जैसी योग्यता है वैसा मिलता है, ये आप डरो मत। कोई आदमी के वृत्ति संयम आदि की योग्यता है और सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं है। आखिर वृत्ति संयम भी तो योग्यता ही से होते हैं, उनका भी तो कर्ता जीव नहीं है। अरे यहाँ तक कि मिथ्या दर्शन भी उसकी पर्यायगत योग्यता ही से होता है। समझ में आया कि नहीं आया? यही है वस्तु स्वरूप। आप मोक्ष के कर्ता नहीं हो। हमें अगर मोक्ष जाने का टाइम आ गया है, हमारा उपादान पक गया है, तभी ये बात हमें समझ में आ रही है। हमने समझी इसलिए समझ में आ गई है, ऐसा कर्तृत्व रखने की जरूरत नहीं है अपने ऊपर। और जिनके समझ में नहीं आ रही है समझने पर भी, वे ज्यादा दीन ना बने, वे ये स्वीकार करें कि अभी लगता है भाई बात नहीं बैठ रही है, अभी नहीं आ रहा है समय। कई श्रोता होते हैं वो साफ कहते हैं, हमें सब बात समझ में आती है पंडित साहब जो आप समझाते हो, लेकिन अंदर से स्वीकार नहीं होती। होते हैं कि नहीं होते? तो इसका मतलब क्या है? निमित्त खड़ा है कि नहीं? और वही बात जो मैं आपसे कह रहा हूं, वही बात मैं उन सज्जन से कह रहा हूं कि नहीं? उन्होंने नहीं हो रही स्वीकार। क्रमबद्ध पर्याय इस जगत में उन्हीं को स्वीकार होगी जिनके काल लब्धि पक गई है मोक्ष जाने की, जो निकट भव्य हैं। पूज्य गुरुदेव श्री उन्हीं के स्वीकार होंगे जिन्हें वास्तव में संसार से पार होने का समय आ गया है। जब तक हमारा नहीं आया है हमें गुरुदेव श्री स्वीकार नहीं हो सकते। ये बिल्कुल सच्ची बात है। देखो मारीची महावीर बनेगा, वहाँ तो आपको मारीची की भी पर्याय दिख रही है और महावीर की पर्याय दिख रही है, इसलिए आपको वहाँ शंका नहीं होती कि ये मारीची आदिनाथ का विरोध क्यों कर रहा है। अब हम सब स्वीकार करते हैं कि वो तो विरोध करना ही चाहिए, उल्टा अगर मारीची विरोध नहीं करे तो आश्चर्य की बात है। पकड़ में आया? समझ में आया कि नहीं? अरविंद जी, तो साहब हम दयादान पूजा भक्ति का उपदेश देना चाहिए, क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए? वस्तु स्वरूप में है ही नहीं। जिसको जैसा उपदेश चाहिए उसको वैसा उपदेश अपनी भवितव्यता अनुसार गारंटी से मिल जाएगा। अभी जिनके गृहित मिथ्यात्व का सेवन होना है, जिनके अनंत संसार पड़ा हुआ है, वे महावीर जी में जाके गृहित मिथ्यात्व का सेवन करें आएंगे। कहाँ जाके? तिजारा जाके, महावीर बीतरागी भगवान के सामने, हे परम बीतरागी देव महावीर जिनेन्द्र परमात्मा, उनके सामने मेरी शादी करवा दो, मेरे बच्चे करा दो, ये मांग सकते हैं। आप कहोगे ये मांग क्यों रहे? अरे भाई
उनकी योग्यता ऐसी है तो उनके भाव उनको निमित्त वैसे बनेंगे। नहीं समझ में आया? अब अपन नहीं जाते महावीर जी, और कोई ले भी जाए तो ठीक है, देखे आते हैं, पर कुछ नहीं है। लेकिन जिसकी मान्यता ऐसी है कि महावीर में जाने से सब दुख हर जाएंगे, वो दौड़ के जाता है, तो आपको लगता है देखो देखो आपके उपदेश, उपदेश कुछ नहीं, जैसी उसकी काल लगती है उसे वैसा उपदेश मिल जाता है। पकड़ में आ गया? ये बात बहुत समझना इम्पोर्टेंट है। हमारे अंदर हमें जरा सा भी कर्तृत्व लेने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, कि हमारे करने से कुछ होता, कुछ नहीं होता। तब चारित्र मोह का उदय समझ में आ गया। हमें चारित्र मोह का उदय है ये ऐसे पता चलेगा अगर श्रद्धा में आत्मा के प्रति एकत्व, आत्मा के प्रति बल, आत्मा के प्रति रुचि, आत्मा का अंदर से भाव, उसका बहुमान, अंदर से उसका जोर, उसकी खुमारी बनी रहे और फिर भले ही रागादिक होते रहें, तो ये चारित्र मोह का उदय जानना।